हेलो बायोलॉजी लवर्स। तो बेटा आज हम लोग एचजीपी पढ़ेंगे और एचजीपी के बारे में जानेंगे कि इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है। जानते हो 1900 में कुछ वैज्ञानिकों का एक ग्रुप बैठा और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना एक इंसान के डीएनए के सारे सीक्वेंस को जाने, उसके पास जितने भी जीन्स है, जितना भी उसका फंक्शन है, उन सबको जाने, तो इसको हम लोग बोले एचजीपी। लेकिन इसको मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहे, एचजीपी यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहे, इसका दो चार रीजन है। हमारे डीएनए में लगभग 3×10^9 बेस पेयर है। अगर एक बेस पेयर को बेटा डिकोड करने में हम लोगों को $3 खर्चा हो रहा है, देन टोटल को हम लोगों को डिकोड करने में लगभग $9 बिलियन खर्चा आएगा। तो ये एक रीजन रहा इसको एचजीपी को मेगा प्रोजेक्ट करने का। दूसरा रीजन था बेटा, इसको लगभग इन लोगों के अनुसार लगा कि 13 साल में ये खत्म होगा, ये मेगा प्रोजेक्ट ये 13 साल में खत्म होगा। तीसरा जो मेन रीजन था कि अगर इसको हम लोग बुक में लिखते तो इस बुक को लिखने के बाद टोटल बुक का जो नंबर है वो 3300 होता। इसके अलावा एक सुपर कंप्यूटर का जरूरत था। और बेटा यहाँ पे हम लोग एक ब्रांच बनाए जिसमें कि हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड सारे डाटा को, सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखें और इसको हम लोग बोले बायो इन्फॉर्मेटिव्स। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव बायोलॉजिकल वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें अरस्तु बायोलॉजी।